हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ जी में आपका स्वागत है। देखिए, इसके पहले वीडियो में आपने स्क्वायर निकालना जाना है। स्क्वायर क्या होता है ये जानिए। अब देखिए, इसका उल्टा, स्क्वायर का उल्टा क्या, स्क्वायर रूट हम लोग सीखेंगे। स्क्वायर रूट होता क्या चीज़ है, कैसे निकाला जाता है, इसके निकालने के कितने मेथड होते हैं, इस पे बेस वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो क्लास 8 डीबी पब्लिक स्कूल के चैप्टर 1 के वर्कशीट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट की स्क्वायर रूट क्या होता है। व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट, अब देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है ये लोग हम देखना चाहेंगे। अब स्क्वायर रूट देखिए, आपको देखिए जाने 6 स्क्वायर मतलब 6 × 6 × क्या आ गया 36। अब देखिए, दो पेयर में से एक पेयर निकाल दिया जाए, मतलब ऐसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 = 6, मतलब दो पेयर में से दो एक निकाल, तो क्या कहेंगे, यही हमारा 36 का क्या हुआ, स्क्वायर रूट होगा। ठीक, मतलब 6 का स्क्वायर क्या था 36, तो मतलब 36 स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ 36 विल बी 6। मतलब स्क्वायर रूट को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना, 36 = 6। इस तरह से जैसे 81, द स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा, 9 होगा, लोग जानते हैं, है ना। अब कोई भी नंबर दिया हो, अब उस का आंसर स्क्वायर रूट निकालने पर कितने डिजिट का आंसर होगा, स्क्वायर रूट। आइए देखते हैं, कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, 8th की बुक्स का कोई भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हम ये बताएंगे किसके कितने आंसर जो होंगे स्क्वायर रूट आएंगे वो कितने डिजिट का होगा। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है वर्कशीट 3 का 7744, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो आंसर कितने डिजिट का होगा, स्क्वायर रूट कितने डिजिट का। देखिए कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा, ये देखिए, इसको देखिए, बार बना रहे हैं पेयर में 1 2, तो मतलब जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का। इसी तरह और भी दे रहे हैं क्वेश्चन, जैसे 2800। अब देखिए क्या इसमें, देखिए इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कितने डिजिट का होगा। तो देखिए पेयर बना है, ये नहीं बना पेयर, तो भी इसको एक बार, तो देखिए कितने नंबर पे बार है, 1 2 3, मतलब जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का। कभी कभी एक नंबर का ये कोशिश, ठीक है। आप जानेंगे कि हाउ कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर्स। ठीक है, पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना जानेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल में आएंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो नंबर्स उनका स्क्वायर रूट निकालने के यहाँ मेथड देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड होगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकंड होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, और थर्ड मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ये तीन मेथड हम लोगों को देखना है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये देखिए, ये छोटे छोटे नंबरों के लिए यूज होता है, छोटे नंबरों के स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज होता है। आइए देखते हैं कि जो नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा उस नंबर को 8 नंबर से तब तक माइनस करते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। 8 नंबर क्या, कंटिन्यूअस 8 नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 11 30, ये कंटिन्यू 8 नंबर से सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमें निकालना, मान लीजिए स्क्वायर रूट 9 का निकालना, तो कैसे है, क्या होगा, क्या करेंगे, 9 में पहले 8 नंबर क्या होता है, फर्स्ट 8 नंबर 1 है, माइनस कीजिए,
कितना 8 आएगा, जो आया उसी में से फिर अगला 8 नंबर क्या होता 3 माइनस कितना आ गया 5, फिर अगला 8 नंबर क्या होता 5 5। अब देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स कितने, देखिए देखिए 0 आ गया तो नंबर ऑफ स्टेप्स गिनेंगे, कितने स्टेप्स हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो गया। देखो बड़ा नंबर लेके देखते हैं, इसमें मान लिया 36 दे रहे हैं, 36 का स्क्वायर रूट निकालना है इस मेथड से, तो क्या करें 36 में हम सेम प्रोसेस है कि ये 8 नंबर को माइनस करते जाएंगे, कब तक, जब तक कि 0 ना आ जाए, क्या माइनस 1 35 माइनस 3 32 माइनस 27 माइनस 7 20 माइनस 9 11 माइनस 11 0। अब देखिए स्टेप्स गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने स्टेप्स आए 6, जितने स्टेप्स आएंगे वही उसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा ये मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इस बेस पे आप वर्कशीट नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 का वर्कशीट नंबर 2 के और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ये वर्कशीट 3 की। देखिए इस मेथड में प्राइम, जो भी नंबर गिवन होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि जो नंबर गिवन होगा, जैसे क्लास 5 में जो नंबर दिया था उसको प्राइम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। देखिए शुरुआत से प्राइम नंबर आपको बता दें, ऐसे नंबर होते हैं जो कि अपने से या 1 से डिवाइड होते हैं, क्या 2 3 5 7 11 13 17 19 20, माने छोटे से चलेंगे, पहले 2 से, जब तक कटेगा 2 से चलेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे कंटिन्यू चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या है 110 क्या 110 35 25, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। अब देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जैसा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको करना है, और इस मेथड से उन्हीं को करते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं उनका स्क्वायर रूट इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। आइए देखते हैं हमने क्या बताया कि इसको प्राइम फैक्टर, देखिए क्या लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप लोग एक वीडियो लोड किया उसको आप देख सकते हैं। देखो 5 से नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 से ऐड करिए 7 8 9, देखो टोटल 9 आ रहा है, इसे 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना है 18 2 7 5, देखो फिर से 5 आ रहा है, इसको ऐड करिए, जैसे क्या होगा 12 12 6 18 18 3 21, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से फिर जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 2 जा 5 जा, अब देखिए ये 3 से जाएगा कि नहीं, 5 7 8 9 10 10 आ गया, तो ये मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट में 5 है तो देखते हैं 5 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 5 से 2 जा 4 जा 5 जा, फिर ये देख लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, 5 2 जा 4 जा 9 जा, अब देखिए ये 9 आ गया, ये क्या होता है 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए आप जानते हैं टेस्ट ऑफ ड्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग या टेबल के अकॉर्डिंग ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, आइए देखिए 7 बन जाए 7 और 7 7 जा 49 बन जाए। अब देखिए क्या स्क्वायर रूट निकाला हमको 11025, इसका स्क्वायर रूट निकाला क्या करेंगे 3 3 × 5 × 5 × 7 × 7। अब देखिए इसे पेयर बनाएंगे, अब एक पेयर में से एक नंबर को बाहर में 3 × 3 में से 3 बाहर निकाला, इंटू किया 5 में से 5 × 5 में से 5 बाहर निकाला, और 7 में से 7 निकाला, अब इन सबको क्या करें मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105, तो मीन्स
ये क्या होगा 11025 का स्क्वायर रूट कितना होगा 105 आंसर। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखिए इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम दो टाइप दो जनरली क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच मल्टीप्लाई या डिवाइड गिवन नंबर बिकम परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि किसी नंबर में कितने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें जिससे कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। देखिए जब भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो डिवाइड या मल्टीप्लाई कहे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और ऐड या सबट्रैक्ट उसके बाद बताएंगे। क्या होगा जब मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कहेगा तो क्या निकालेंगे, किससे मेथड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए इसमें हम वर्कशीट नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। मतलब क्या कह रहा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 1100 से 1100 से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर रूट और जो आएगा परफेक्ट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। देखो वर्कशीट नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें यह निकालना है कोई स्मॉलेस्ट नंबर निकालना जिसे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखिए लास्ट में 0 से 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 जा 0 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 जा 7 जा 5 जा। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते तो डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको 2 1 1 1 0 0 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 5 0। इस तरह से आप डिवाइड करते रहेंगे। अब देखिए ये 5 आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, इन्हें देखते हैं क्या होगा। 5 और 7 12 और 12 2 14 मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 14 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 5 क्या 5 क्या फिर 1 जा 5 से करेंगे 11 कितना हो रहा 11। तुम देख रहे क्या कि इसमें सबका 2 का भी पेयर बन जा रहा, 5 का भी पेयर बन जा रहा, किसका पेयर नहीं बन रहा तो 11 का। तो मतलब इसमें वो स्मॉलेस्ट नंबर होगी जो 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 11। मतलब इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये हो गया 1100 × 11। अब देखिए क्या होगा इसमें आप देख सकते हैं कि 2 2 मतलब ये 2 × 2 × 5 × 5 और इंटू 11 यहाँ तक हुआ और 11 इसके साथ, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसमें से 2 निकला, इसमें से 5 निकला, इसमें से 11, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 55 55 10 11। मतलब परफेक्ट 3 भी क्वेश्चन नंबर 3 2 की तरह ये आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 से देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। मतलब क्या उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था मल्टीप्लाई करना, यहाँ क्या डिवाइड है, मतलब जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है उसको अलग कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है 3645 क्वेश्चन नंबर 4।
3645। अब यहाँ डिवाइड मतलब पूछा कितने नंबर से डिवाइड कर दें जिससे कि जो बचे डिवाइड करने बाद क्वेश्चन बचे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए लास्ट में थ्री है, मतलब फाइव है, थ्री से जाएगा नहीं, थ्री जा नाइन और नाइन एट्टीन आ गया, मतलब थ्री से डिवाइड हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री फाइव। अब देखिए ये सिक्स थ्री नाइन, मतलब थ्री फिर से चला जाएगा, मतलब थ्री से डिविजिबिलिटी क्या है सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर जो नंबर आता है अगर वो थ्री से डिवाइड होता है पूरा नंबर थ्री से डिवाइड हो जाता है। आइए थ्री फोर जा ट्वेल्व जीरो फाइव टेन, यहाँ देखिए ध्यान रखेंगे फोर जा के डायरेक्ट के फाइव नहीं कर देंगे, यहाँ गलत हो जाए, बहुत सारे बच्चे ही गलती करते हैं कि यहाँ फोर जा के और थ्री फाइव जा फिफ्टीन कर दिए जीरो लगाने, क्यों जीरो लगेगा क्योंकि ये वन नहीं जा रहा था, जीरो उतारने के बाद करते हैं। इसके बाद थ्री से वन जा थ्री, थ्री जा नाइन फाइव, फिर देखिए ये कितना आ रहा है नाइन आ रहा है, मतलब थ्री से डिवाइड हो जाएगा, थ्री फोर जा थ्री फाइव जा, फिर से देखिए नाइन आ रहा है मतलब थ्री से डिवाइड में वन फाइव, फिर से ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा थ्री फाइव जा फिर फाइव। अब देखिए क्या पेयर बना है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बन रहा, किसका पेयर नहीं बन रहा फाइव का, है ना। तो कौन सा नंबर होगा जिस स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड किया जाए वो होगा फाइव, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं तो क्या होगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू फाइव। अब स्क्वायर रूट पूछा है जो कि डिवाइड करने पाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर रूट इक्वल कितना हो जाएगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, और ये फाइव कहाँ गया, अरे आई फाइव क्या डिवाइड करना, तो फाइव डिवाइड तो फाइव कैंसिल हो गया, फाइव खत्म हो गया, बचा क्या सिर्फ इतना ही, यहाँ क्या थ्री थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री, इसमें से एक पेयर में से एक थ्री निकाले, इनमें से एक थ्री निकाले, फिर इसमें से एक थ्री, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही क्या है थ्री थ्री नाइन, नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन, मतलब इसको फाइव से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा ट्वेंटी सेवन। बॉक्सिंग पत्री का क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स में क्या, फाइव में है फाइंड द नंबर ऑफ रूज, मतलब जो नंबर दिया है वन फाइव टू वन इसका स्क्वायर रूट निकालने, वही हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ रूज। क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा कि हाउ मेनी कैडेट आर देयर इन ईच रूम, वही काम यहाँ भी जो नंबर दिया टू लाख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने, वही हमारा नंबर ऑफ कैडेट इन ईच रूम, मतलब एक रूम में कितने कैडेट होंगे फाइंड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, ये भी कई बार एग्जाम में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, क्या है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें एक स्क्वायर फील्ड है, क्वेश्चन नंबर सेवन एक स्क्वायर फील्ड है, इसका एरिया गिवन है 5184 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर फील्ड है इसका एरिया गिवन है। फिर कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल है, मान लीजिए लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर, अगर मान लेते हैं इसका लेंथ क्या ब्रेथ सॉरी ब्रेथ क्या एक्स मीटर है, मतलब एक्स मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी टू एक्स मीटर, ये गिवन है कंडीशन में दिया हुआ है,
ठीक है। इसके बाद कर इट्स पैरीमीटर इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर फिट, करा कि इसका मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इसका पेरीमीटर, इसके बाउंड्री का लेंथ इसके बाउंड्री के लेंथ के बराबर है, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा, जानते हैं 2L प्लस बी होता है, क्या हो जाएगा 2L कितना गिवन है 2L प्लस एक्स, कितना हो जाएगा ये 2 × 3x इट इज 6x। पेरीमीटर कितना होगा रेक्टेंगल का 6x, और इसका देखिए पेरीमीटर क्या होगा, आप जानते हैं कि एरिया का सॉरी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 × साइड। अब हमें क्या चाहिए पेरीमीटर निकालने के लिए, साइड चाहिए, तो साइड कैसे आएगा, और हम जानते हैं कि एरिया दिया हुआ है और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, ठीक। हमें साइड निकालना और एरिया दिया है 1584 और साइड स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, साइड निकालने क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, 518 आइए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या 518। अब देखिए आपको यही निकालना है या बगल में निकाल सकते हैं, हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम यहाँ निकालना है। अब देखिए 2 से कट जाए क्योंकि 4 है, तो 2 से 2 × 4 5 × 9 × 2 फिर 2 से कट जाएगा 2 × 1 × 2 × 9 × 6 फिर 2 से कट जाएगा 6 × 4 × 8 फिर 2 से 3 × 2 = 4 फिर 2 से 1 × 6 = 2 फिर 2 से 8 × 1 ना, ये हो जाएगा 3 × 27 इसके बाद 27 का 3 × 9 3 3 3 3। अब देखिए स्क्वायर पेयर बनाते हैं, ये और ये मिलके ये पेयर हो गया, तो देखिए कि इस पेयर में से एक 2 निकाले, फिर इसका भी 2 निकाले, 2 कितने 1 2 3 1, फिर देखिए क्या इसमें से 3 आया, फिर 3 यहाँ से आया, कितना आ गया 3 × 3 कितना आ जाएगा 2 × 4 4 × 8 और 8 × 3 = 8 6 8 × 9 = 8 9 = 72 ठीक है। मीन्स इसका साइड स्क्वायर का साइड कितना हो गया 72 आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × साइड मतलब 4 × 72 ठीक है। अब हमें पता है, हमें दिया हुआ कंडीशन में कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों सेम है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये चीज इसके बराबर होगा, दैट इज 6x इक्वल टू 4 × 72 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 72 डिवाइड बाई 6, ये 6 × में यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1 मतलब 48। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 48 ठीक है, और हमें निकालना क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, ये देखिए x आया, ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया x क्या माना ब्रीथ, तो ब्रीथ मिल गया, ये मिल गया ब्रीथ, तो लेंथ कितना होगा इसका डबल 2 × 48। तो हमें जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B होता है, तो L × B मतलब कि 48 × 2 × 48 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा एरिया निकल जाएगा, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वो एरिया मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट, फिर क्वेश्चन नंबर एट में क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 47089 प्लस अंडर रूट 24336। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे है ना, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, दोनों का निकाल के दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 47089 कहाँ में, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है यहाँ, क्योंकि ये सी का वर्कशीट है। अदरवाइज एग्जाम में आता तो आप लॉन्ग डिविजन मेथड से भी कर सकते हैं, जो आप बाद में बताएंगे आपको। आइए देखते हैं कितने जाएगा ये। ठीक है, ये 9 + 8 17, 70 + 7 24, 24 + 4 28। ये 28 को आपस में भी ऐड कर देता है, 8 + 2 कितना है 10 है ना, तो 10 जो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे देखिए ना, जब 3 से नहीं होगा तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से देखते हैं, तो अगर आप चेक करेंगे तो हमने सात ट्रिक बताया हुआ है 7 से चेक करने का, अब देखेंगे ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 से, 7 6 42, 5 7 49 तो 1 बचा, 7 2 14 है ना, 4 बचा, और 4 9 7 49। फिर देखिए ये 7 से कर रहे हैं, 7 9 63 बचा, 4 6 1। अब देखिए ये कितने से जाएगा, अब जिस जैसे मान लीजिए 2 से 5 से 3 से नहीं गया तो फिर से वो नहीं जाएगा। नंबर 7 से नहीं कट रहा, फिर 11 से देख रहे हैं नहीं कटेगा, 10 6 नहीं कटेगा, 13 नहीं जाएगा, 17 नहीं जाएगा, 23 नहीं जाएगा, 29 से आप डिवाइड कर देखेंगे, 29 से भी नहीं जाएगा, तो आप देख रहे हैं कहाँ तक जाएगा ये है, 31 से जाएगा। कितने जाएगा, 31 से, 31 से डिवाइड करेंगे, 31 जा 31 थ्री मीन्स ये क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया, 7 × 31 प्लस। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, मतलब 24336 ना। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 से 1 2 1 6 8, फिर 2 से जाएगा 6 0 8 4, फिर 2 से 3 0 4 2, फिर 2 से 1 5 2 1। अब देखिए 1 आ गया, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 से 6 6 3 9 कट जाएगा, 3 से 5 0 7, देखिए यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ 5 7 नहीं लिख देंगे, यहाँ 0 7 होगा, फिर 3 से 1 6 9, फिर देखिए कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 10 9 1 10 10 6 16 16 नहीं जाता, 3 से आगे ऊपर चलते हैं, 3 से नहीं गया तो ये मतलब ये 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 नहीं है। 7 से देखते हैं, 7 इसका डबल, 7 से भी नहीं जाएगा, इसके बाद 11 से देखते हैं, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से देखते हैं, 13 से चला जाएगा, 13 1 जा 3 जा कितना बढ़ गया, 13 से, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, कितना है, 2 × 2 × 3 × मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 30, मतलब इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 21 प्लस 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 13, 26। अब इसको ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 6 7 और ये 3, मतलब इसका दोनों का स्क्वायर रूट का आंसर कितना आएगा, 3 7 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 3 आपको समझ में आया होगा, और ये दो मेथड जो हमने बताए स्क्वायर निकालने की, सब्ट्रैक्टिव मेथड
और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 4 लॉन्ग डिवीजन मेथड।